आप सभी साथियों को जय हिंद। मैं प्रबल आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार में टीम प्रबल में जीके जीएस भाई प्रबल सर में जो आप सब लोगों ने बनाया है, जो भी है, पांच हो या चार हो या तीन हो, सब आप सब लोगों का बनाया हुआ है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत आपके अपने परिवार में आपके अपने प्लेटफॉर्म पे आपका अपना दोस्त एंड होस्ट स्वागत करता है। कैसे हो आप सब लोग? आप उम्मीद है कि बहुत बेहतरीन होंगे, शानदार। आप लोगों को जबरदस्त तरीके से आप लोग काम कर रहे होंगे। आप सब लोगों को पता है कि थोड़ा सा कल जो है आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन 8 बजे से 8 अक्टूबर को 8 बजे से 8 घंटे लगातार 8 घंटे लगातार कल मैराथन है आप लोगों की। तो किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। और इसमें सीधे तौर पे आपको ध्यान रखना है कि स्टैटिक जीके हिस्ट्री और आपके करेंट अफेयर की मैराथन है। तो बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। उसका इवेंट बन गया है, लेकिन अभी तक आप सब लोगों ने लाइक नहीं किया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। सर, सारे लोग आपको भाई बोलते हैं, क्या मैं भी बोल सकती हूँ आपको भाई? बिल्कुल बोल सकती है, बिल्कुल बोल सकती है। और हमको सबसे अच्छा लगता है कि अगर कोई हमको भाई बोलता है तो मैं बहुत ही ज्यादा उसके साथ कंफर्टेबल हो जाता हूँ, बहुत ही ज्यादा। आई लाइक दिस साउंड। इफ एनीबॉडी हु कॉल्स मी ब्रदर, आई एम सो एक्साइटेड एंड सो हैप्पी। हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी बोलिए, बिल्कुल बोलिए, इसमें पूछने की बात है। लेकिन बात वही है कि एक बार भाई मान लिए तो भाई की इज्जत रखना है, सिलेक्शन लेना है, बस यही काम आप लोगों को करना है। जी जी जी, सब कुछ क्लास में मिलेगा। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो चलिए तो शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। देखते हैं कि आज पहला क्वेश्चन क्या है, पहला सवाल क्या है। तो पहले सवाल के बारे में बात करें तो पहला सवाल देखिए क्या है। तो आप सब लोग एकदम मैं साइड होकर के आप लोगों से बता रहा हूं, और आप सब लोग भी खूब अच्छे से ध्यान दे करके तब जाके आंसर बताना है। ओके, आप रेस्ट कीजिए, जिनका भी तबीयत खराब है वो रेस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए पहला सवाल देखिए कि किस साम्राज्य को, और आज रात को 10 बजे से आप सब लोगों की कंप्यूटर की क्लास है, 1.5-2 घंटे की क्लास होगी, बहुत ही बेहतरीन कंप्लीट रिविजन कराया जाएगा, तो आप सब लोग भी इस क्लास को देख सकते हैं। बोले कि किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग कहा जाता है? कौन से साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? कौन से साम्राज्य को, कौन से एम्पायर को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आपको क्या लगता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हिंदुत्व का स्वर्ण युग, गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म, हिंदुत्व का स्वर्ण युग किसके काल को माना जाता है? तो याद रखिएगा आज के बाद से कि गुप्त के काल को, गुप्त समय काल को, गुप्त पीरियड को हम लोग हिंदुत्व का स्वर्ण युग कहते हैं, गोल्डन एरा ऑफ आपके सीधे तौर पे हिंदुइज्म कहा जाता है। भारत के इतिहास में किसके शासन काल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है? भारत के इतिहास में किसके शासन काल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है? गोल्डन एरा ऑफ इंडिया, कौन से शासक के शासन काल को कहा जाता है? कौन से रूलर के टाइम पीरियड को कहा जाता है? कौन से शासक के शासन काल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है? भारत का गोल्डन एज कहा जाता है। तो गुप्त साम्राज्य के शासन काल को भारत का स्वर्णिम काल कहते हैं। और आप सब लोगों को पता है कि गुप्तों की, जब हम शासकीय भाषा की बात करें तो गुप्तों की जो शासकीय ऑफिशियल लैंग्वेज था वो संस्कृत था, जिस धर्म को मानते थे वो वैष्णविज्म था, और जो इनका प्रतीक चिन्ह था वो क्या था भाई? वो सीधे तौर पे गरुड़, जो भगवान विष्णु का क्या होता है, सवारी होता है। तो इस तरीके से गुप्त साम्राज्य आंसर हो जाएगा। गुप्त शासकों ने कौन से नाम का भाई, कौन से नाम का जुर्माना लगाया था? जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक के द्वारा, जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक के द्वारा भुगतान किया जाने वाला एक प्रकार का हल के ऊपर लगने वाला कर था, एक प्रकार का हल के ऊपर, हल जिसे जमीन को जोता जाता है, जो एग्रीकल्चर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो उस टैक्स को क्या बोला जाता है? अगर हम उस टैक्स के बारे में बात करें तो उस टैक्स को क्या बोला जाता है, जो कर आपके लगाया जाता था? तो गुप्त शासकों ने एक कर लगाया था जो एक प्रकार का हल कर होता था,
तो उपगुप्त शासकों ने कौन से नाम का भाई कौन से नाम का जुर्माना लगाया था जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक के द्वारा भुगतान किया जाने वाला एक प्रकार का हल कर होता था, तो उसको क्या बोला जाता हलीवा कर बोला जाता था, उसको क्या बोला जाता था हलीवा कर कहा जाता था। इसके बारे में आपको समझने की जरूरत है भाई। अनिल राज गौतम जी 7 अक्टूबर सुबह 8 बजे से ही लगातार पेट के लिए मैराथन चल रही है, तो जिन भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उनको वो सारी क्लासेस प्रॉपर तरीके से दिख जाती है कि पेट के लिए कौन कौन सी मैराथन आपकी चल रही है। तो अगर आप हमसे आकर के क्लास में पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको चैनल के बारे में कुछ पता नहीं होता कि चैनल पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। शायद अगर आप चैनल के रेगुलर स्टूडेंट होते या देख रहे होते तो आपको पता चलता है कि पेट के लिए हम लोग कितना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के लिए भी कल से मेहनत आपकी स्टार्ट हो जाएगी, तो दोनों के दोनों एग्जाम्स को फोकस करके चल रहे हैं, तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप देखोगे तो पता चलेगा, नहीं देखोगे तो नहीं चलेगा। वकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त, कुबेर नागा और डैश की आपकी पुत्री थी भाई। तो महारानी प्रभावती गुप्त की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय और कुबेर नागा की आपकी पुत्री थी। चंद्रगुप्त द्वितीय और आपके सीधे तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय और कुबेर नागा की आपकी पुत्री थी, तो आंसर क्या हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। उस भारतीय राज्य की पहचान करें जिसे महाकाव्य काल में प्राग ज्योतिष कहकर के संबोधित किया गया है। उस भारतीय राज्य की पहचान कीजिएगा जिसे महाकाव्य काल में प्राग ज्योतिष के रूप में जाना जाता था उस भारतीय राज्य की पहचान करें जिसे महाकाव्य काल में प्राग ज्योतिष के रूप में जाना जाता था रणवीर सिंह जी स्वागत है आपका। जितने भी नए साथी जुड़ते जा रहे हैं सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। डेली आप सब लोग जुड़िएगा, आप लोग क्लास में बहुत मजा आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मोनिका असम हो जाएगा। भारत के कौन से क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है, कौन से क्षेत्र को हम कामरूप के नाम से जानते हैं भाई तो देखो भाई प्राग ज्योतिष की बात करें तो उसी को कहा जाता है जब हम काम रूप के बारे में बात करें तो उसी को कहा जाता है। तो या तो आप प्राग ज्योतिष कहिए या तो आप काम रूप कहिए, तो दोनों के दोनों नाम किसको दिया जाता है। तो प्राग ज्योतिष या काम रूप के बारे में बात करें तो काम रूप या प्राग ज्योतिष ये दोनों के दोनों किसको कहके संबोधित किया जाता है। अगर आपके अंदर क्वेश्चन आएगा तो सीधे तौर पर आंसर क्या बता दोगे असम, तो असम का ही ये दोनों नाम है। तो प्राग ज्योतिष भी असम को ही कहा जाता है और उसके बाद कामरूप भी असम को ही कहा जाता है, तो सीधे तौर पे आंसर आपका डी हो जाएगा। गुप्त काल का प्रसिद्ध जो दशावतार मंदिर है जिसे उत्तर भारत के प्राचीनतम पंचायतन मंदिरों में से एक माना जाता है वो आपके मंदिर कहाँ पे स्थित है, अगर इसके बारे में सवाल पूछा जाए तो ये मंदिर सीधे तौर पे गुप्त काल में बना है और ये कौन से जगह पे स्थित है, तो ये सीधे तौर पे आंसर हो जाएगा देवगढ़ नामक जगह पे स्थित है। तो देवगढ़ में ये आपके मंदिर स्थित है जिसको हम प्रसिद्ध दशावतार मंदिर के नाम से जानते हैं, जिसे उत्तर भारत के प्राचीनतम पंचायतन मंदिरों में से एक माना जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा देवगढ़ हो जाएगा। प्रारंभिक 8वीं सदी के दौरान भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया था। तो अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को देने वाले अगर हम शख्स की बात करें तो अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को देने वाले जो शख्स थे उनका नाम क्या था आदि शंकराचार्य, जिनका नाम क्या था भाई आदि शंकराचार्य, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। निम्नलिखित में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है, मूल पाठ लिखा गया है, तो महर्षि कनाड जो है उनके द्वारा वैशेषिक दर्शन का किताब आपके लिखा गया है, यह सिद्धांत आपके लिखा गया है, तो आंसर सी हो जाएगा। उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली क्या है भाई, नॉर्थ इंडिया में प्रचलित जो मंदिर वास्तुकला की शैली है उस उत्तर भारत में, तो देखो तीन प्रकार की शैली है, एक को बोला जाता है नागर शैली, दूसरे को बोला जाता है द्रविड़ शैली और तीसरे को बोला जाता है बेसर शैली। तो जब हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो साउथ इंडिया में जो शैली है उसको क्या कहते हैं, तो दक्षिण भारत में जो शैली है
उसको बोलते हैं द्रविड़ शैली। जो आपके उत्तर भारत में जो शैली है उसको बोलते हैं नागर शैली। और बेसर शैली जो है वो मिक्स है, यानी नागर और द्रविड़ का दोनों का मिक्सचर है। तो उत्तर भारत में जो प्रचलित आपके मंदिर है उस मंदिर को सीधे तौर पे क्या बोलते हैं, नागर शैली के नाम से उसको जाना जाता है। किसके नाम से भाई, नागर शैली के नाम से जाना जाता है। अभी सवाल देखिए क्या पूछा है, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन से आप लोगों को ध्यान देना है और अच्छे से समझने की कोशिश करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखते जाइएगा। बोले कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निम्न का वर्णन किया गया है, क्या कौन से अनुच्छेद में इन बातों को, इन स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने, प्रेसिडेंट की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, एक मंत्री परिषद होगी, और उस मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होगा भाई, तो उस मंत्री परिषद का प्रमुख होगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति की बात करें, प्रेसिडेंट इस मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। यानी यहां पे अगर हम बात करें सीधे तौर पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है, तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात बोल रहा है कि बोले कि जो राष्ट्रपति की, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस लिए होगा, तो ये राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए होगा, ये राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए होगा। और जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा उस मंत्री परिषद के जो प्रधान होंगे, उस मंत्री परिषद का जो हेड होगा, उस मंत्री परिषद के हेड को क्या बोला जाएगा, प्रधानमंत्री बोला जाएगा। तो ये कौन से आर्टिकल में व्यवस्था करी गई है, तो आर्टिकल 74(1) में इस बात की व्यवस्था करी गई है। अनुच्छेद 74(1) में इस बात की व्यवस्था करी गई है। जबरदस्त तरीके से आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब आपने बोले कि ठीक है भैया, अब क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट मंत्री परिषद के सदस्य को, मंत्री परिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं। जब हम प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सदस्य को अगर बर्खास्त करना है तो मंत्री परिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं, क्या राष्ट्रपति खुद बर्खास्त कर देगा, क्या राष्ट्रपति खुद बर्खास्त कर देगा, नहीं। आप सब लोगों को पता है कि मैंने सीधे तौर पर क्या बोला, कि मैंने बोला कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, ठीक है। अगर हम इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड के बारे में बात करें तो इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड क्या होता है, प्रधानमंत्री। अब देखो भाई, चलो राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को नियुक्त कर लिया, लेकिन प्रधानमंत्री के अलावा बाकी जो अन्य आपके मेंबर्स होंगे, बाकी जो अन्य सदस्य होंगे, उनको बिना प्रधानमंत्री की सलाह के तो अपॉइंट करेगा नहीं। अब उनकी सलाह से, अगर प्रधानमंत्री की सलाह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो अदर आपके मेंबर्स हैं, उनको जब राष्ट्रपति ने आपके क्या करी, शपथ दिलाई है, तो जब अगर उसको हटाना भी होगा तो सीधे तौर पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि वो किसकी सिफारिश पे हटाएंगे, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पे। तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पे प्रधानमंत्री रिकमेंड करेगा, और प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन के बाद राष्ट्रपति आपके क्या करेगा, उसको हटाएगा भाई। बोले कि भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल में यह वर्णित है कि एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का प्रमुख क्या होगा भाई, प्रधानमंत्री होगा। तो अभी मैंने पहले ही आपके क्वेश्चन में जो पॉलिटी का पहला क्वेश्चन था उसमें मैंने बता दिया कि एक संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 74(1) है, जिसमें ये बोला गया है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा जो राष्ट्रपति की सलाह और परामर्श के लिए होगा, और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो प्रधान होगा उसको प्रधानमंत्री कह के संबोधित करेंगे, और वो प्रधानमंत्री की सलाह पे मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करेगा, शपथ दिलाएगा, और हटाना भी होगा तो उसमें प्रधानमंत्री की जो रिकमेंडेशन है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये बात आर्टिकल 74(1) में करी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करें तो देखो आर्टिकल 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करी गई है, लेकिन सीधे तौर पे प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो आर्टिकल 75 में प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, संविधानिक पद है, संविधान इसकी बात करी गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपको ये बात देखकर ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, बल्कि बहुमत प्राप्त दल का, या गठबंधन जिसको बहुमत प्राप्त हुआ है, या बहुमत में शामिल गठबंधन का जो नेता होता है उसी को राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर देता है और उनको शपथ दिला देता है। तो आर्टिकल 75 में इस बात की व्यवस्था करी गई है। अनुच्छेद 32 की बात करें तो संवैधानिक उपचार का अधिकार,
और अनुच्छेद 356 की बात करें तो ये प्रेसिडेंट रूल से संबंधित है, तो इस तरीके से आंसर आपका सी हो जाएगा भाई। बोले कि भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं निर्वाचित किया जाता है, लोकसभा के द्वारा नहीं। हाँ ये बात जरूर है कि प्रधानमंत्री सदस्य होता है, या तो लोकसभा का सदस्य होता है या तो राज्यसभा का सदस्य होता है। अगर ये लोकसभा का मेंबर होता है तो डायरेक्टली पब्लिक के द्वारा चुना जाएगा, राज्यसभा का मेंबर होगा तो अलग अलग राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा आपका चुना जाएगा। यही तो बात है, इससे ज्यादा कुछ बात तो है नहीं। आपने बोला कि ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं, तो भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बात करें क्या संसद, अरे निर्वाचन होता ही नहीं है इसका, लोकसभा में बहुमत पार्टी के द्वारा नामांकित इससे भी काम नहीं होता है, राष्ट्रपति के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है जिसको प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, और अगर इसको रिजाइन देना होगा तो ये किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा भाई। तो बोले केंद्रीय मंत्री परिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है, केंद्रीय मंत्री परिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है, केंद्रीय मंत्री परिषद का पद और सदस्यता सीधे तौर पे कौन निर्धारित करता है, तो डिसीजन पावर के तौर पे कौन आ जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति आ जाते हैं, यही इस चीज को तय करते हैं। 1975 से 1977 के बीच में जब आपातकाल था तो इस आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, 1975 से 1977 के बीच में, 1975 से लेकर के 1977 के दौरान अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सवाल पूछ रहा है कि जब ये इमरजेंसी का दौर था तो इस इमरजेंसी के दौरान भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या था, कौन भारत के प्रधानमंत्री थे, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि उस समय आपके राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का नाम मैंने बताया था, और दूसरा आपको प्रधानमंत्री की बात करें तो इंदिरा गांधी का नाम आ जाता है, और इसी के चलते इनकी सरकार भी मोनिका चली गई थी और फिर दोबारा आपकी सरकार भी सत्ता में लौट के आई थी 1980 के बाद, लेकिन अब जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। तो 1978 में चुनाव के बाद 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मुरारजी देसाई की जगह किसने लिया, तो जब मुरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री के थे और जब हट गए तो उसके बाद चौधरी चरण सिंह जी आपके प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने सदन का सामना नहीं किया। तो इस तरीके से आपके सीधे तौर पे सुमित यादव जी स्वागत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह जी। 1978 में भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे भाई, 1978 में भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो 1978 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, 1978 में भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे किसका नाम देखने को मिलता है, उसका आंसर आप लोग बता दीजिए, किसका नाम देखने को मिलता है, तो 1978 में भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे सर पेट का क्लास चला दीजिए 5 दिन, सुमित यादव जी। फिर से मैं ब्रदर बोलूंगा तो आप लोगों को बुरा लगेगा, क्या ही मैं बोलू, फिर से एक बार बोल ही देता हूं क्या करूं। इसलिए मैं बोलता हूं कि ठीक है आपको मैं पसंद नहीं हूं, मेरे पढ़ाई पसंद नहीं, मेरा मेहनत पसंद नहीं, कोई दिक्कत की बात, लेकिन अगर कुछ भी आप बोलते हो तो उसका आपके पास थोड़ा सा कुछ होमवर्क भी तो होना चाहिए। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए 2 मैराथन हो गई, 7 अक्टूबर को ही मैंने शुरू कर दिया था, 7 अक्टूबर यानी आज सुबह में 8 बजे से हिंदी की आपकी मैराथन हो गई, 11 बजे से आपकी इंग्लिश की भी मैराथन होगी, यानी 5-5 नंबर के ये काम आपके कंप्लीट। दूसरा कल है 8 अक्टूबर, कल 8 अक्टूबर को जो मैराथन है सुबह में 8 बजे से लगातार 8 घंटे की आपकी मैराथन है, जिसमें मैं आपको हिस्ट्री 10 नंबर का, स्टैटिक जी के 10 नंबर का और करेंट अफेयर 10 नंबर का, यानी 30 नंबर के आपकी क्लास को कराऊंगा। फिर उसके बाद शाम को 6 बजे से 3 घंटे की मैराथन है, 3 घंटे की मैराथन में आपको साइंस का पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कराया जाएगा। फिर तीसरा मैराथन मैंने आपको बताया था 9 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को मैंने बताया था कि एक मैराथन होगी आपके सुबह में 8 बजे से 6 घंटे की, शाम सुबह में 6 घंटे की मैराथन होगी और इसमें आपको मैथ्स रीजनिंग और DI कराया जाएगा। फिर उसके बाद शाम को 4 बजे से बागडोर में संभालूंगा और या तो जियोग्राफी का मैराथन होगा या तो इकोनॉमी का मैराथन होगा, वो आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद मैंने बोला कि 10 अक्टूबर को भी आपकी मैराथन होगी, फिर मैंने बोला था कि 11 अक्टूबर को भी मैराथन होगी जिसके बारे में पता आपको चल जाएगा, और 12 अक्टूबर को भी आपकी मैराथन होगी, 12 अक्टूबर को भी मैराथन होगी। फिर
मैंने बोला था कि 13 अक्टूबर को सुबह में 7 बजे से लेकर के रात 1 बजे तक 18 घंटे की कंप्लीट मैराथन होगी पूरे 100 नंबर का। तो आप क्लास में नहीं आइएगा तो मैं आपको कैसे समझाऊंगा, क्लास में आप नहीं आइएगा तो मैं आपको कैसे समझाऊंगा। तो ये टाइम टेबल है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का। तो 1978 में भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे, और आज रात को 10 बजे कंप्यूटर की जबरदस्त क्लास है। तो जिन भी साथी का दिल्ली पुलिस का पेपर है या जिन भी साथी का आपके एसएससी सीजीएल का पेपर है तो वो रात को 10 बजे जरूर आपके जुड़ेंगे, बाकी आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। तो अगर आप क्लास अगर इस चैनल को आप लोग फॉर गारंटेड लेते हो तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ। तो 1978 में कौन आपके प्रधानमंत्री, तो मुरारजी देसाई। भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है बताइए तो आप लोग, भारत की अगर आपसे सवाल पूछा जाए, सवाल क्या बोल रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है, रिटायर होने की एज क्या है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए भारत के प्रधानमंत्री के रिटायर होने की क्या एज है। क्या आपने सुना है कि भारत में राष्ट्रपति किसी भी प्रकार के नेता का रिटायरमेंट का कोई एज होता हो, चाहे उसको 5 आदमी उठा करके बैठाए और उठा मतलब सुलाए तब भी वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता, ये पॉलिटिक्स इतनी बुरी चीज है। तो ये कैसे, तो यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं होता है, चाहे आप कितने भी उम्र के हो जाए अगर आपको मौका मिलेगा तो आप बन जाओगे, ये कोई छोड़ता नहीं है। तो सीधे तौर पे मेरे प्यारे साथियों जबरदस्त आपको आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपके सही है, आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपके सही है, आंसर क्या हो जाएगा। एक बार जितने भी साथी सेशन को देख रहे हैं सारे के सारे साथी, इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग इस परिवार को सब्सक्राइब करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का सदस्य बनिए, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा भाई, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखो भाई सवाल क्या बोल रहा है कि मेरे प्यारे साथियों कौन सा युग्म आपके सही सुमेलित है। जब हम केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं तो ये कहां पे स्थित है, राजस्थान में स्थित है। जब हम गीर राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो गीर कहां पे स्थित है, उत्तर प्रदेश में। और जब हम नंदा देवी के बारे में बात करते हैं तो नंदा देवी कहां पे स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। लेकिन ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यानी ऊपर के तीनों आपके गलत थे, ऊपर के तीनों जो आपके स्टेटमेंट है, ऊपर के तीनों स्टेटमेंट गलत थे, बाकी आपके सारे के सारे सही है। यानी जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। तो कल यानी सुबह में 8 अक्टूबर को 8 बजे से 8 घंटे की जबरदस्त मैराथन में लेकर के आ रहा हूं, इवेंट बन गया है, एक बार सभी लोग जा करके सब लोग मिलकर के उस इवेंट को शेयर लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप लोगों की इच्छा करे तो। तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए गुजरात में आपके, वैसे ही नंदा देवी की बात करें उत्तराखंड में, लेकिन ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में। तो ऊपर के तीनों गलत थे और चौथा आपका सही है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालयी उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है, सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो ये कौन सा भाई, तो पूर्वी हिमालयी उप क्षेत्र में सबसे बड़ा आपके, तो आंसर क्या हो जाएगा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। सीधे तौर पर आंसर क्या हो जाएगा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये सारे कंप्लीट सिलेबस मैंने करा दिया है। रात को 9 बजे मैंने 3-3 बार आपका हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी स्टैटिक जीके कंप्लीट किया, 3-3 बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-3 बार। तो जो भी बच्चा इस क्लास को रेगुलर लेता है उसको उसका बेहतरीन तैयारी हो सकता है। गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है और ये कौन से राज्य में स्थित है, तो गैंडा के, देखो गिर की बात करें तो शेर के लिए है, रणथंभौर की बात करें तो बाघ के लिए, कार्बेट की बात करें भी तब भी बाघ के लिए, सवाल बोले कि गैंडे के लिए, और उसमें भी एक विशेष प्रकार का गैंडा जो एक सींग वाला गैंडा होता है, जो केवल और केवल इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, और वो राष्ट्रीय उद्यान है कहां पे भाई, तो वो राष्ट्रीय उद्यान असम के काजीरंगा में स्थित है, जहां पे एक सींग वाले गैंडे आपके पाए जाते हैं, जहां पे एक सींग वाले गैंडे आपके पाए जाते हैं, तो काजीरंगा असम में।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो सीधे तौर पे आंसर आपका अष्टम हो जाएगा, जो आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला है, जिसे इस रूप में भी जाना जाता है। तो उस दलदली हिरण को क्या कहा जाता है? उस दलदली हिरण को क्या कहा जाता है? अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो उस दलदली हिरण को क्या कहते हैं, आंसर बता दीजिए। उस दलदली हिरण को क्या बोलते हैं? तो उस दलदली हिरण को सीधे तौर पे, जिसे इस रूप में, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला है, जिसे इस रूप में भी जाना जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? तो जिसको बारह सिंगा कह के संबोधित किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? भाई बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपके जो मुख्य रूप से बाघ के लिए, सांभर के लिए, चीतल के लिए, जंगली कुत्ते के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है भाई? तो ये कर्नाटक में स्थित है, वही कर्नाटक जिसकी राजधानी के तौर पे आप बंगलुरु का नाम दे देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बांकापुर मयूर अभयारण्य कौन से राज्य में स्थित है भाई? बांकापुर मयूर अभयारण्य कौन से आपके उसमें स्थित है? तो बांकापुर की बात करें और बांदीपुर की बात करें तो बांदीपुर और बांकापुर दोनों के दोनों कर्नाटक में स्थित है। तो कितना प्यार से याद हो गया, तो बांदीपुर की बात करें तब भी कर्नाटक, और जब हम बांकापुर की बात करें तब भी कर्नाटक। तो बांदीपुर और बांकापुर दोनों के दोनों आपके कहां पर स्थित है? तो दोनों के दोनों आपके कर्नाटक में स्थित है भाई। तो बांदीपुर भी कर्नाटक में स्थित है और बांकापुर भी कर्नाटक में स्थित है। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? आपके कर्नाटक। मध्य प्रदेश में पेंच है, राजस्थान में टाइगर है, आपके सरिस्का है, उसके बाद रणथंभौर है, महाराष्ट्र में भी आप सब लोग संजय गांधी उद्यान के नाम से देख सकते हैं। 2019 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? आई हेट पापा की परी। क्यों भाई पापा की परी से आप हेट क्यों करने लगे? प्यार करो, प्यार भारत जोड़ो, नफरत तोड़ो, ठीक है ना? पापा की परियों से क्या आपको दुश्मनी हो गई? पापा की परी ही सबके लिए सॉफ्ट पाउडर होती है क्या? चलिए सवाल लिखिए। 2019 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अगर हम टोटल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो देखो टोटल राष्ट्रीय उद्यान 104 है, लेकिन हुआ क्या है कि कुछ राष्ट्रीय उद्यानों को मर्ज कर दिया गया है, कुछ राष्ट्रीय उद्यानों को मर्ज कर दिया गया है, जिसके चलते उसकी संख्या वर्तमान में कितने पर आकर के रुक गई है? 101 पर रुक गई है। चूंकि यहाँ पे ऑप्शन के तौर पर 101 नहीं दिया है, इसीलिए हम आंसर भी क्या मारेंगे? 104। लेकिन इस बात को भी आपको समझना है कि जो 104 है उसमें से कुछ को मर्ज करके एक बड़ा बना दिया गया है, इसीलिए 104 के जगह पर 101 टाइगर रिजर्व आपको दिखाई देता है। एशियाई काले भालू के बारे में जब हम बात करते हैं और हिम तेंदुआ की बात करते हैं तो निम्नलिखित स्थानों में से कहां पे पाए जाते हैं? तो ये सारे के सारे आपके जाते हो कहां पे पाए जाते हैं? तो ये एक फूलों की घाटी जो कि उत्तराखंड में, और नंदा देवी, ये दोनों के दोनों राष्ट्रीय उद्यान है। एक है जिसको नंदा देवी कहते हैं और दूसरा है जिसको फूलों की घाटी कहते हैं। तो फूलों की घाटी और नंदा देवी, ये दोनों के दोनों जो आपके राष्ट्रीय उद्यान है, इन दोनों के दोनों राष्ट्रीय उद्यानों में ये आपके दोनों के दोनों जानवर आपके पाए जाते हैं, जिसके बारे में आपको समझने की जरूरत है मेरे प्यारे साथियों। एक को एशियाई काले भालू और दूसरा हिम तेंदुआ, इन दोनों के लिए इनको जाना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इनमें से कौन सा एक नेशनल पार्क नहीं है? जितने भी आपके विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन सा एक नेशनल पार्क नहीं है? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है भाई, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है, लेकिन सतारा राष्ट्रीय उद्यान ये नेशनल पार्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि नाम के पीछे कुछ लगा दीजिए, अब नाम के पीछे कोहली लगा दीजिए, नाम के पीछे कोहली लगा दीजिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे लोग विराट कोहली ही हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि सारे के सारे विराट कोहली, नाम के पीछे धोनी लगा दीजिए तो सारे के सारे धोनी ही हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। उसी तरीके से अगर सतारा राष्ट्रीय उद्यान में राष्ट्रीय उद्यान लगा दिया है तो इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि ये आपका राष्ट्रीय उद्यान नहीं हो गया, बल्कि ये सिंपल सा है, ये राष्ट्रीय उद्यान आपके नहीं है, ये बात आपको समझने की जरूरत है।
अब चलो भाई नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं सीधे तौर पे कि अब हमको क्या समझना है, कौन कौन सी बातों के ऊपर आपको समझना है। तो अब जो आ जाता है इकोनॉमी के बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन, जो आपके पेपर में पूछा तो जाता है लेकिन देखने में बहुत आसान लगता है, जिसको आप लोग बोलते हो रॉली गुप्ता जी, स्वागत है आपका। तो सब लोग जितने भी साथी अगर रेगुलर क्लास में तुम लोग जुड़ रहे हो तो फिर किसी और की जरूरत ही ना पड़े। अगर जितने अपने बच्चे हैं कम से कम 200-300 के आसपास जो एक्टिव बालक है अपने चैनल के, तो वो सारे के सारे अगर क्लास में जुड़ने लगे ना तो फिर दूसरे किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन वो इस सब इंतजार करता है कि भैया अगर तुमने दूसरे यूट्यूब चैनल में पढ़ाना शुरू कर दिया तो हम गाली देने के लिए तुमको आएंगे। अगर तुम कभी मान लो कि रोने लगोगे तो एक दिन आ जाएंगे कि हार मत मानना हम तुम्हारे साथ, या कभी तुम बोलोगे कि हम इस चैनल को बंद कर रहे तब भी हम आ जाएंगे भैया बंद मत करना हम तुम्हारे साथ है। लेकिन पढ़ने के लिए नहीं आओगे, ना पढ़ोगे ना आओगे तो नालायक कैसे चलेगा काम। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, और जितने भी बच्चे जो भी हमारे प्यारे साथी हैं इस सेशन को देख रहे हैं, अगर आपको आपको इस मेहनती परिश्रमी परिवार का सदस्य बनना है, अगर आपको सदस्य बनना है तो आप आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का सदस्य बन सकते हैं। ना ही कोई पैसा देना है, ना ही कोई आपके कोर्स खरीदना है, केवल और केवल चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का सदस्य बन जाना है। और कल 8 अक्टूबर को जो इवेंट है, सभी लोग एक बार सेशन को लाइक करके सोओगे, मेरे क्लास में आने से पहले कम से कम 200 कम से कम मेरे प्यारे साथियों 200 सोनू कुमार जी आप क्यों परेशान है कि बिजनौर किसका सेंटर है। मैं पिछले 5 दिनों से देख रहा हूं कि एक ही कमेंट आप कमेंट कर रहे हैं, जिसकी भी क्लास होती बिजनौर किसका सेंटर, क्या करोगे जिसका सेंटर वो पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं पूछोगे तो नहीं पहुंचेगा पागल, तुमको अपने सेंटर से मतलब होना चाहिए है? तब भी पता नहीं क्या बताऊं, बताते बताते सब बाल सफेद हो गया मेरा है, बुढ़ापा आ गया, तब भी तुम लोग समझने के लिए जरूरी नहीं। तुम लोग भी हमारे जैसे नालायक बनना चाहते हैं, बनो फिर क्या करो। तो 8 अक्टूबर को सुबह में 8 बजे से लगातार 8 घंटे की आपकी मैराथन हिस्ट्री स्ट्रैटेजी के करंट अफेयर का बेड़ा पार। फिर उसके बाद 13 अक्टूबर को सुबह में सात बजे से आपके 18 घंटे की मैराथन, सुबह में 7 बजे से 18 घंटे की मैराथन कंप्लीट आपके 100 मार्क्स की तैयारी, कंप्लीट आपके 100 मार्क्स की तैयारी। तो हो जाओ तैयार गर्दन उड़ाने के लिए। तो आर्थिक कार्यों के क्षेत्र की बात करें तो उसको 3 तरीके से डिवाइड किया जाता है, एक को प्राथमिक क्षेत्र, दूसरे को द्वितीय क्षेत्र, तीसरे को तृतीय क्षेत्र के नाम से आपको जाना जाता है। तो आंसर सी हो जाएगा। आर्थिक गतिविधियों को किसके आधार पर प्राथमिक माध्यमिक द्वितीय की सब चीजों में बांटा जाता है, तो आर्थिक गतिविधि की जो प्रकृति होती है उस आर्थिक गतिविधि की, उस इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, उस आर्थिक गतिविधि की आपकी प्रकृति के आधार पे, उस नेचर के आधार पे इसको क्या किया जाता है भाई, बांटा जाता है। ठीक है भाई। अब इस सवाल को रहा है कि तृतीय कार्यकलाप में कौन सा आता है, टर्शियरी एक्टिविटीज में क्या आता है। तो टर्शियरी एक्टिविटीज की बात करें सेवा क्षेत्र, उसमें कुछ बनाया नहीं जाता है, ना ही कुछ नेचर से मिलता है, बल्कि केवल और केवल क्या करते हो आप, अपने दिमाग का प्रयोग करते हो या एक जगह से दूसरी जगह पर उठा करके लेके जाते हो। तो ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है। डेयरिंग आपके किसमें आ जाता है, प्राइमरी सेक्टर में। विनिर्माण किसमें आ जाता है, सेकेंडरी सेक्टर में। और खेती किसमें आ जाता है, ये भी प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कृषि किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो एग्रीकल्चर, ये नेचुरल चीज है, एग्रीकल्चर ये नेचुरल चीज है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है, ये प्राइमरी सेक्टर के अधीन आपके आता है भाई। मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया, मिट्टी से ईंट बनाने की जो प्रक्रिया है वो कौन से क्षेत्र में आती है। अब इसलिए ये सवाल पूछा है कि आप बोलोगे कि भाई ईंट बना रहा है और मिट्टी से बना रहा है तो हो सकता है कि भैया ये प्राइमरी सेक्टर में आ जाए, लेकिन नहीं, इसमें क्या हो रहा है, विनिर्माण हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, यानी एक चीज से दूसरे चीज में हम परिवर्तित कर रहे हैं, यानी मिट्टी से हम उसका क्या बना रहे हैं, ईंट बना रहे हैं। तो ये कौन से सेक्टर में आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा भाई। बैंक सेवा, अगर बैंक की बात करें, आपके लॉयर की बात करें, एजुकेशन की बात करें, काउंसलिंग की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें,
आपके रेस्टोरेंट की बात करें, ये सारे के सारे जो आपके हैं ये सब टर्शियरी सेक्टर में आ जाता है, जिसको सर्विस सेक्टर कहा जाता है, और प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर कहा जाता है, और सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो टर्शियरी सेक्टर का दूसरा जो नाम है, तो टर्शियरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है, तो उसको सर्विस सेक्टर कह करके संबोधित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? निम्नलिखित में से कौन सी एक्टिविटीज आपकी प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आती है? तो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आने वाली एक्टिविटीज की बात करें तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो ये जितने भी, अगर खेती की बात करें, बुआई की बात करें, कटाई की बात करें, तो ये सारे के सारे तीनों के तीनों आपके प्राइमरी एक्टिविटीज में आ जाता है। यानी फिशरीज की बात करें, डेयरी की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो 1, 2 and 3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 and 3 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1, 2 and 3। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आती है वो फिशरीज हो जाता है, डेयरी हो जाता है, एग्रीकल्चर हो जाता है, ये तीनों के तीनों आपके आ जाते हैं भाई। कौन आपके इंडियन इकोनॉमी में टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आता है? तो टर्शियरी सेक्टर में सीधे तौर पे क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन। आप किसी भी चीज का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो वो ट्रांसपोर्टेशन किसके अंतर्गत आ जाता है? वो ट्रांसपोर्टेशन आपके टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आ जाता है। मेरे बाद रात को 10 बजे बहुत ही बेहतरीन कंप्यूटर की क्लास हो रही है, कंप्यूटर की क्लास होगी, इसीलिए मैं कंप्यूटर का क्लास आज नहीं करा रहा हूं, इसीलिए मैं कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं। तो प्रसून सर आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त रात को 10 बजे कंप्यूटर की क्लास लेके आ रहे हैं, तो आप सभी साथी तैयार रहिएगा और जबरदस्त तरीके से आपको काम करना है। तो निम्नलिखित में से कौन इंडियन इकोनॉमी में टर्शियरी सेक्टर? देखो चीनी उद्योग सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा, कपड़ा उद्योग सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा, और डेयरी के बारे में बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। अब सवाल ये पूछा है, बहुत ही प्यारा सवाल पूछा है कि अचल संपत्ति की बात करें तो अचल संपत्ति कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा? भाई अचल संपत्ति के बारे में बात करें तो अचल संपत्ति कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा? भाई क्वेश्चन बताइए, अचल संपत्ति की बात करें तो अचल संपत्ति कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा? तो अचल संपत्ति तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। लोना कौन से खेल से संबंधित है? भाई लोना किस खेल से संबंधित है? तो लोना के बारे में बात करें तो लोना आपके समझने की जरूरत है कि कबड्डी खेल में, कबड्डी में अगर आपने कबड्डी खेला होगा और कबड्डी के आप टूर्नामेंट को जानते हैं और बेहतर तरीके से आपको समझने की जरूरत है। भाई अचल का मतलब क्या होता है कि जो भाई एक से दूसरे, दूसरे में से तीसरे में ट्रांसफर आपके होते रहे, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? कबड्डी हो जाएगा। विश्व में बास्केटबॉल को प्रशासित करने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम क्या है? बास्केटबॉल जो टूर्नामेंट होता है वो इंटरनेशनल लेवल पे इसको प्रशासित करने वाले, इसके एडमिनिस्ट्रेशन को देखने वाले, अगर हम उस संस्था की बात करते हैं, अगर हम उस इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो FIBA का नाम आ जाता है। किसका नाम आ जाता है? FIBA का नाम आ जाता है। तो ये सीधे तौर पर आंसर आपका ए हो जाएगा। चेरी पिकिंग शब्द, सवाल क्या पूछ रहा है कौन से शब्द के बारे में? तो चेरी पिकिंग शब्द के बारे में। तो जो चेरी पिकिंग वर्ड है वो कौन से खेल में उपयोग किया जाता है? चेरी पिकिंग जो वर्ड है वो चेरी पिकिंग वर्ड आपके कौन से खेल में यूज किया जाता है? तो चेरी पिकिंग जो खेल है वर्ड है वो आपके बास्केटबॉल में यूज किया जाता है। तो ये बास्केटबॉल का शब्द है। तो जब भी चेरी पिकिंग, अगर आप थोड़ा सा भी, थोड़ा बहुत भी अगर बास्केटबॉल जानते होंगे तो बता सकते हैं। बास्केटबॉल टीम में टोटल आपके कितने प्लेयर होते हैं? भाई बास्केटबॉल टीम में टोटल आपके कितने प्लेयर होते हैं? तो बास्केटबॉल टीम में दो टीमें, बास्केटबॉल टूर्नामेंट में या खेल में दो टीमें पार्टिसिपेट करती हैं और एक टीम में 5 खिलाड़ी और दूसरी टीम में भी 5 खिलाड़ी होते हैं। तो टोटल आपके कितने? 5-5। यानी वॉलीबॉल, बास्केटबॉल की टीम में एक टीम में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन सी थी? भाई पूरे के पूरे इंटरनेशनल लेवल पे आपके वैश्विक प्रतियोगिता, किसी भी वैश्विक प्रतियोगिता में जिम्नास्ट के बारे में सवाल पूछा है तो देखो हिमा दास के बारे में बात करें तो ये धावक है। सीमा पुनिया ये भी दूसरे खेल से संबंधित है। साक्षी मलिक पहलवान है, ठीक है, ये बात है कि प्रथम भारतीय महिला पहलवान जिन्होंने ओलंपिक में पदक को जीता था
तब साक्षी मलिक का नाम आ जाता है। लेकिन किसी भी इंटरनेशनल कंपटीशन में प्रथम भारतीय महिला जिमनास्ट जिन्होंने पुरस्कार जीता था तो उनका नाम क्या था, दीपा कर्माकर का नाम आ जाता है। प्रोडू नोवा निम्नलिखित किस महिला खेल स्पर्धा से संबंधित है? जब हम प्रोडू नोवा के बारे में बात करते हैं तो प्रोडू नोवा कौन से खेल से आपके संबंधित है? तो प्रोडू नोवा ये शब्द है और ये किस में प्रयोग किया जाता है, ये जिम्नास्टिक्स में प्रयोग किया जाता है। जिम्नास्ट दीपा कर्माकर का संबंध कौन से राज्य से है? तो ये कंफ्यूज करने वाला चीज है और ये बार बार आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आप लोग गलती कर देते हो, जैसे आपके मीराबाई चानू का स्टेट पूछा जा सकता है, जैसे आपके जो बॉक्सिंग में है आपके लवलीना बरगोहेन उनके आपके पूछा जा सकता है। तो वैसे ही जब हम जिम्नास्ट दीपा कर्माकर की बात करें जो प्रथम भारतीय महिला जिम्नास्ट है जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक जीता है, अगर उनके स्टेट की बात करें त्रिपुरा जिसकी राजधानी कहां पे है भाई, अगरतला, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, स्कीट कौन से खेल से संबंधित है भाई? तो स्कीट की बात करें तो स्कीट ये जो वर्ड है ये शूटिंग में आपके यूज किया जाता है, यानी राइफल इस सबका जो आपकी शूटिंग होता है उसमें वर्ड किया जाता है। स्मैशर शब्द आपके किसके लिए प्रयोग किया जाता है? स्मैशर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है अगर आपसे सवाल पूछा जाए, स्मैशर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो स्मैशर शब्द आपके सीधे तौर पे वॉलीबॉल में यूज किया जाता है। आपने वॉलीबॉल खेला होगा तो देखा होगा कि स्मैश किया जाता है, उसको तेजी से मारा जाता है कि ताकि सामने वाला उसको कैरी ना कर पाए। तो स्मैशर शब्द आपके वॉलीबॉल से संबंधित है। अब ये रहा आप लोगों का होमवर्क, आप लोगों का HW रहा, जो ऑफलाइन कमेंट करके आंसर बताना है, जो ऑफलाइन कमेंट करके आंसर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी व्यक्ति ऑफलाइन कमेंट में आंसर बताएंगे ताकि पता चले कि कौन से बच्चा रेगुलर स्टूडेंट के तौर पे है। और अभी आपके क्लास में 10 मिनट के बाद 10 बजे कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी और कल आपको याद है ही 8 अक्टूबर को सुबह में 8 बजे से 8 घंटे की जबरदस्त मैराथन गर्दा उड़ा देंगे 30 नंबर एक ही क्लास से, हिस्ट्री स्टैटिक जीके और करेंट अफेयर। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो जितने भी साथियों को क्लास अच्छा लगा है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल, पूरी टीम का मनोबल बढ़ाएं और हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करने में अपनी मदद करें और इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके अपना एक नैतिक समर्थन, एक सत्य को सामने रखने वाले चैनल को दें, एक कंटेंट वाली टीम को दें कि ताकि आगे आने वाला समय भी इस बात को याद करें कि मेहनत का जो फल होता है वो मीठा होता है और वो आप लोग दीजिएगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रसून सर के कंप्यूटर की क्लास में एक एक बच्चा क्लास में दिखना चाहिए, कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। तो जितने भी साथियों को आज का ये सेशन पसंद आया है सब लोग एक एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए तो हमें अच्छा लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो 10 बजे आपका इंतजार रहेगा कंप्यूटर की क्लास में और कल सुबह में 8 बजे सबसे पहले हम आप सब लोगों को देखना चाहते हैं। तो उस सेशन को जाकर के एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। तो 8 अक्टूबर को 8 बजे से जबरदस्त आपकी मैराथन मैं दूंगा और 9 अक्टूबर को सुबह में आपके 8 बजे से फिर से 6 घंटे की मैराथन प्रतीक्षा लेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।